मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में ही सही। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिन्हें हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पाप की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन भले ही इन कर्मों से लगने वाले पाप का उन्हें ज्ञान ना हो, लेकिन उसका फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ता है। परंतु मित्रों, आपने भी कभी ना कभी ये सुना ही होगा कि बच्चों को पाप नहीं लगता। तो क्या आप जानते हैं कि इस बारे में हमारे धर्म शास्त्रों का क्या कहना है और किस उम्र तक किए गए कर्मों का पाप हमें नहीं लगता? जानेंगे इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक महान ऋषि हुए जो खांडव वन में अपने आश्रम में निवास करते थे। एक दिन की बात है, जब वे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे तो कुछ लुटेरे भागते हुए उनके आश्रम में आ पहुंचे। ये देख मांडव्य ऋषि ने उन्हें सभी से पूछा कि तुम लोग किसके डर से भाग रहे हो। तब एक लुटेरे ने झूठ ही कह दिया कि भगवान, हम सभी व्यापारी हैं और हमारे पीछे कुछ लुटेरे लगे हुए हैं जो हमसे धन छीन कर हमें मारना चाहते हैं, कृपया करके हमारी सहायता करें। उन लुटेरों की बात को सच मानते हुए मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुम लोग अपना अपना धन मेरी कुटिया में छिपा दो और यहाँ से दूर चले जाओ। ऋषि की बातें सुनकर उन लुटेरों ने लूटे हुए धन को ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और स्वयं वहां से चले गए। कुछ देर बाद उस राज्य के सैनिक कुटिया में पहुंचे और ऋषि की कुटिया की तलाश करने लगे। अभी सैनिक कुटिया में घुसे ही थे कि उन्हें लूटा हुआ धन मिल गया और उन लोगों ने मांडव्य ऋषि को भी लुटेरों का साथी मान लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे। तब मांडव्य ऋषि ने सैनिकों से कहा, मैं तो उन लुटेरों की सहायता उन्हें व्यापारी समझकर कर रहा था। ये सुनकर एक सैनिक बोला, तुम ढोंगी हो और अब पकड़े जाने पर साधु बन रहे हो, अब तेरे भाग्य का फैसला हमारे महाराज ही करेंगे। इतना कहने के बाद राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि को घसीटते हुए राज दरबार ले गए और वहां पहुंचकर उन लोगों ने राजा को सारी बातें बताई। सैनिकों की बातें सुनकर राजा बोला, साधु के वेश में तुम चोरी करते हो जो क्षमा के योग्य नहीं है। और फिर उस राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इस ढोंगी साधु को जाकर सूली पर चढ़ा दो। इसके बाद मांडव्य ऋषि ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु राजा ये बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि वह निर्दोष है। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों ने राज दरबार से बाहर ले जाकर मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन मांडव्य ऋषि ने जीवन भर भगवान की साधना की थी, जिस वजह से सूली पर लटकने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये चमत्कार देखकर सैनिक राजा के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। ये सुनकर राजा को अपने अपराध का बोध हुआ और वो मांडव्य ऋषि के पास पहुंचा और क्षमा मांगते हुए उनसे बोला, हे महर्षि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं आपको पहचान नहीं पाया, अगर हो सके तो मुझे इस गलती के लिए क्षमा कर दे। राजा की बातें सुनकर मांडव्य ऋषि बोले, राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर सकता हूँ, परंतु मैं धर्मराज अर्थात यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। इतना कहकर मांडव्य ऋषि अपने तपोबल से यमलोक की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए, फिर मुझे सूली पर क्यों चढ़ना पड़ा? आखिर मुझे किस पाप की सजा मिली है? तब यमराज बोले, हे ऋषि, आप बचपन में पतंगों के पिछले भाग में कांटा चुभोते थे और आपको मिली ये सजा आपके उन्हीं कर्मों का फल है। ये सुनकर मांडव्य ऋषि ने कहा कि धर्म शास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करता है वो अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक अबोध होता है अर्थात उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। और यही वजह है कि भगवान भी बाल्यपन में किए हुए पापों को माफ कर देते हैं। और आपने तो बाल्यपन में की गई मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर मेरे साथ अन्याय किया है। यही नहीं, धर्मराज, आप तो ये तक भूल गए कि न्याय करने वाला व्यक्ति अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का भी पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर दूसरों पर अन्याय करे तो वो खुद अपराध कर रहा है। अतः हे धर्मराज, मैं आपको श्राप देता हूँ
कि इस पाप का दंड भोगने के लिए आपको मनुष्य रूप में मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा, जहां आप न्याय और अन्याय की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते थक जाएंगे और यही आपका दंड होगा। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण द्वापर युग में यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि बचपन अर्थात 12 वर्ष तक किया गया कोई भी कर्म अधर्म नहीं माना जाता और इस उम्र तक किए गए सभी पापों को भगवान भी माफ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि बचपन के बाद किए गए पाप का फल मनुष्य को मिलना निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार बबूल के पेड़ पर फल नहीं लग सकते, वैसे ही जिसने पाप रूपी बबूल का पेड़ बोया हो उसे पुण्य रूपी फल नहीं प्राप्त होते। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में पुण्य ही करें। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा पाप भ्रूण हत्या को बताया है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी, तब भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा क्रोधित हुए थे। भगवान कृष्ण ने उस समय ये घोषणा की थी कि अश्वत्थामा का ये पाप सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बच्चे की हत्या की थी और भगवान कृष्ण ने इस पाप की सजा अश्वत्थामा को स्वयं दी थी। अंत में हम आपसे बस यही कहेंगे कि हम मनुष्य पाप से नहीं बल्कि उसे करने से मिलने वाली सजा से डरते हैं। हम पाप तो कर देते हैं लेकिन फिर ये सोचते हैं कि इस पाप का फल क्या होगा। इसीलिए भयमुक्त जीवन जीने के लिए हमें बुरे कर्म करने से हमेशा बचना चाहिए। हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, हमें सिर्फ वही कर्म करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो और लोगों को कष्ट ना पहुंचे। ऐसा करके हम और आप खुद को पाप के बाद मिलने वाली सजा से बचा सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ, और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।